ॐ ह्रीं नमो अर्हन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयरियानम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूणम् एषो पञ्चण उपकारो सर्वपापकणासनो मङ्गलानं च सर्वेऽस्मिन् परमं भवै मङ्गलं परमं भवै मङ्गलम् आराध्य देव के चरणों में वंदन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। बंधु और बहनों, भक्ता मस्तोत्र चैलेंज का आज 22वां दिन और 22वीं गाथा। एक एक दिन करते करते हम आज आधे तक पहुंच चुके हैं, जो 44 गाथा करेंगे, 44 गाथा जो सीखेंगे तो आज उनकी आधी गाथाएं हो जाएगी। पर बस यही है कि इस चैलेंज को सही में चैलेंज मान के साथ साथ में आपको कंप्लीट आप अगर करते जा रहे हैं तो आपका भी साथ साथ में पूरा हो रहा है, एक उपलब्धि हो रही है। तो आज आधे रास्ते तक हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले 22वीं गाथा, 22वां श्लोक और उसके सबसे पहले उच्चारण हम सीखेंगे और उच्चारण के साथ साथ ये संकल्प के साथ साथ में कंठस्थ भी हो रहा है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूत, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूत, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूत। दोनों एक साथ, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूत, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूत, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूत। थर्ड लाइन, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्। तिनुरण एक साथ, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्। फोर्थ लाइन, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। पूरी गाथा एक साथ, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। संधि विच्छि स्त्रीणाम फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं है, सेकंड लाइन में नान्या जो है न अन्या नान्या त्वदुपमं त्वत प्लस उपमं त्वदुपमं फिर प्राच्येव प्राची प्लस इव प्राच्येव दिग प्लस जनयति दिग जनयति स्फुरत प्लस अंशुजालम स्फुरदंशुजालम। तो इतनी संधि है यहाँ न प्लस अन्य नान्य त्वत प्लस उपमं तदुपमं प्राची प्लस इव प्राच्येव दिग प्लस जनयति दिग जनयति स्फुरत प्लस अंशुजालम स्फुरदंशुजालम। मीनिंग शतानि स्त्रीणां शतशः पुत्रान् जनयन्ति। यहां देख सकते हैं यहां क्या दिखा रहे हैं, माताएं माएं बैठी है सबके पास पुत्र है उनकी गोद में। तो शतानि शतानि में सैकड़ा सैकड़ों हंड्रेड्स स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियों के शतशः पुत्रान जनयति जनयन्ति उनके सैकड़ों पुत्र जन्म लेते हैं। सैकड़ों स्त्रियों के सैकड़ों पुत्र जन्म लेते हैं वो सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं किंतु क्या है अन्या जननी दूसरी कोई जो माँ है उसने क्या किया है त्वदुपमम त्वदुपमम मतलब तुम्हारे समान सूतम सूत मतलब पुत्र को न प्रसूता सैकड़ों स्त्रियों ने पुत्रों को जन्म दिया पर तुम्हारी माता ने जैसे तुमने तुमको जन्म दिया वैसे किसी पुत्र को और किसी माता ने जन्म नहीं दिया है। तो कैसे नहीं दिया क्या उसका एग्जाम्पल क्या हुआ तो कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे समझाने के लिए इजी भाषा में क्या कह रहे हैं सर्वा दिशा सर्वा मीन सारी ही दिशा दिशाएं भानी दधती भानी जो नक्षत्र ग्रह नक्षत्र तारा जो होते हैं ये सारा तारा मंडल होता है उन सबको दधती उसको धारण करती है ये सारे सब दिशाओं में होते हैं तारा मंडल है ग्रह नक्षत्र है पर प्राची एव दिग जो केवल पूर्व दिशा ही क्या करती है स्फुरत अंशुजालम स्फुरत अंशुजालम सहस्र रश्मि जलयति चमक प्रकाशमान किससे अंशुजालम किरणों से प्रकाशमान सहस्र रश्मि सूर्य को जन्म देती कौन पूर्व दिशा ही ओनली ईस्ट गिव्स बर्थ टू सन राइज टू सन ऑल अदर डायरेक्शंस दे हैव स्टार्स एंड अदर ऑल लाइक ग्रह नक्षत्र सब कुछ है उनके पास पर सूर्य को जन्म तो कौन देगा केवल और केवल पूर्व दिशा में सूर्य तो हमेशा पूर्व से ही पूर्व दिशा से ही उगता है। तो वैसे ही सबने सैकड़ों स्त्रियों ने सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया पर तुम्हारे माता ने जैसा तुम्हें जन्म दिया वैसा कोई और जन्म नहीं दे सकती। शतानि सैकड़ों स्त्रीणाम स्त्रियां शतशः पुत्रान् जनयति सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है किंतु अन्या दूसरी कोई भी जननी माता त्वत उपमं तुम्हारे समान
सूतम पुत्र को न प्रसूत जन्म नहीं दे सके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सर्वः मतलब सारी ही सभी दिशाएं दिशा दिशाएं भानि नक्षत्रों को तारामंडल को ददति धारण करती है किंतु प्राचेव दिग पूर्व दिशा ही स्फुरत प्रकाशमान अंशुजालम किरण के समूह वाले सहस्र रश्मिम सूर्य को जनयति जन्म देती है। शतानि हंड्रेड्स श्रीराम द वुमन तभी मेन शतश हंड्रेड्स सो पुत्रान टू सन्स जनयंती गिव्स बर्थ गिव बर्थ नॉट गिव्स गिव बर्थ बट अन्य Anya, any other janani mother tvadukam same as you sutam to son na prasuta could not give birth sarvaha such as all sarvam is all for example such as sarvaha means all dishaha directions the directions bhani to constellations or stars dadati holds But Prachi Eva Dik is direction only Sphurat Anshujalam Sphurat Anshujalam Light Bimbro Sahasra Rashmim to the sun Janayati gives birth. So, O Lord, in this world hundreds of women give birth to sons. But no other mother has given birth to a son like you Expect your mother, all directions except all the stars and constellations. But it is only the east direction that gives birth to the sun, which is full of rays of light. So in the same way, like you are the unique. The sun is unique in this all group stars and constellations. So you are the unique sun on this earth, like a sun. So we can't see the other sun on the sky. We see only one sun in the sky. In the same way, you are the only sun which whom your mother gave birth. No any other mother, no any other woman had given birth to a son like you. Okay. So once more we will do pronunciation. Srinam shatani shatasho janayanti putra नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्